1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने को हैं। 13 दिनों तक चले इस युद्ध को याद करते हुए बीबीसी आपके लिए लाएगा विवेचना की 13 कड़ियों की एक विशेष श्रृंखला। 1971 युद्ध की दूसरी कड़ी में जब बांग्लादेश में तालाब के अंदर पाइप से सांस लेकर बचे भारतीय पायलट। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल। 4 दिसंबर 1971 की सुबह दमदम हवाई ठिकाने से उड़े 14 स्क्वाडन के 2 हंटर विमानों ने ढाका के तेजगांव हवाई अड्डे पर हमला किया। एक हंटर पर सवार थे स्क्वाडन लीडर कंवलदीप मेहरा और दूसरे हंटर को उड़ा रहे थे उनके नंबर 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट संतोष मोने। जब वो तेजगांव हवाई अड्डे के ऊपर से उड़े तो उन्हें पाकिस्तानी लड़ाकू विमान दिखाई नहीं दिए क्योंकि पाकिस्तानियों ने उन्हें चारों तरफ छितरा रखा था। कुछ दूसरे ठिकानों पर बम गिराने के बाद जब मेहरा और मोने लौटने लगे तो एक दूसरे से अलग हो गए। सबसे पहले मोने की नजर कुछ दूरी पर पाकिस्तान के 2 सैबर जेट विमानों पर पड़ी। सेकेंडों के अंदर 2 सैबर जेट विमान 2 भारतीय हंटर विमानों के पीछे पड़ गए। अचानक मेहरा ने महसूस किया कि एक सैबर जेट विमान उनके पीछे आ रहा है। मेहरा ने बाईं तरफ मुड़कर मोने से उनकी पोजीशन के बारे में पूछा। मोने से उनको कोई जवाब नहीं मिला। सैबर ने मेहरा के हंटर पर लगातार कई फायर किए। मेहरा ने मोने से कहा कि वो सैबर पर पीछे से फायर करें ताकि उससे उनका पीछा छूटे, लेकिन मेहरा को इसका अंदाजा नहीं था कि मोने के हंटर के पीछे भी एक और सैबर लगा हुआ था। उस समय मोने के हंटर की गति थी 360 नॉट्स यानी 414 किलोमीटर प्रति घंटा। मोने अपने विमान को बहुत नीचे ले आए और दमदम की तरफ पूरी ताकत से उड़ने लगे। पाकिस्तानी पायलट उन पर लगातार फायर करता रहा लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन कंवलदीप मेहरा उतने भाग्यशाली नहीं थे। उनके हंटर पर फ्लाइंग ऑफिसर शमसुल हक की गोलियां लगातार लग रही थी। वो 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे और उनके जहाज में आग लग चुकी थी। उनके कॉकपिट में धुआं भर चुका था और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पीवीएस जगनमोहन और समीर चोपड़ा अपनी किताब ईगल्स ओवर बांग्लादेश में लिखते हैं, मेहरा ने बिना कोई देर करते हुए अपने पैरों के बीच इजेक्शन बटन दबाया लेकिन एक माइक्रोसेकेंड में खुलने वाला पैराशूट खुला ही नहीं। विमान के ऊपर लगने वाली कैनपी जरूर अलग हो गई। नतीजा ये हुआ कि इतने वेग से हवा का तेज झोंका आया कि मेहरा के ग्लव्स और घड़ी टूटकर हवा में उड़ गए। यही नहीं, उनका दाहिना हाथ इतनी तेजी से पीछे मुड़ा कि उनका कंधा उखड़ गया। किसी तरह मेहरा ने अपने बाएं हाथ से पैराशूट का लीवर फिर दबाया। इस बार पैराशूट खुल गया और मेहरा हवा में फेंकते चले गए। मेहरा को नीचे गिरते ही बंगाली ग्रामीणों ने उन्हें लाठी और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। शुक्र ये रहा कि 2 लोगों ने भीड़ को रोका और मेहरा से उनकी पहचान पूछी। मेहरा की सिगरेट और पहचान पत्र से पता चला कि वो भारतीय हैं। उसके बाद गांव वालों ने मेहरा को उठाया, उनके कपड़े बदले और उन्हें लुंगी पहनने को दी। मेहरा इतने घायल हो चुके थे कि अपने पैरों पर चल नहीं सकते थे। उनको स्ट्रेचर पर लेटाकर पास के गांव ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही मेहरा फिर बेहोश हो गए। गांव पहुंचकर गांव वालों ने मेहरा को नाश्ता दिया। जब कुछ दिनों तक भारतीय वायुसेना को मेहरा की खबर नहीं मिली तो उन्हें मिसिंग इन एक्शन घोषित कर दिया गया। इस घटना के 8 दिन बाद अगरतला क्षेत्र के सीमांत इलाके के एक हेलीपैड पर एक भारतीय हेलीकॉप्टर ने लैंड किया। उस हेलीकॉप्टर में भारतीय सेना के एक जनरल बैठे हुए थे।
जनरल के हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद स्थानीय एयरमैन उस हेलीकॉप्टर की सर्विस कर रहे थे, जबकि उसके पायलट आपस में बात कर रहे थे। किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया कि वहां एक कमीज और लुंगी पहने एक दुबला पतला व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। उसका दाहिना हाथ एक स्लिंग में बंधा हुआ था, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उसके पूरे चेहरे पर चोट के निशान थे। उसकी बांह नीली पड़ चुकी थी और उसमें गैंग्रीन की शुरुआत हो चुकी थी। एक नजर में वो शख्स उन शरणार्थियों जैसा दिखाई देता था जो इन दिनों पूरे अगरतला में फैले हुए थे। एयरफोर्स के पायलटों को उस समय बहुत अचंभा हुआ जब उस शख्स ने जोर से पुकारा, मामा। उनमें से एक का निकनेम वाकई मामा था, लेकिन भारत के कई इलाकों में लोग इस शब्द का संबोधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। उसने सोचा कि शायद कोई उसी अंदाज में उन्हें भी पुकार रहा है। वैसे भी वो नहीं चाहता था कि युद्ध के दौरान कोई भिखारी उसे तंग करे, इसलिए उससे पिन छुड़ाने के लिए उसने बहुत रूखेपन से पूछा, क्या है? पीवीएस जगनमोहन और समीर चोपड़ा लिखते हैं। उस शख्स ने पायलट का हाथ पकड़कर कहा, अरे कुछ तो पहचानो। पायलट ने अशिष्टतापूर्वक अपना हाथ खींचकर कहा, मुझे मत छुओ। तब उस अजनबी शख्स ने पूछा, क्या तुम्हारा केडी नाम का कोई दोस्त है? पायलट ने जवाब दिया, हां, स्क्वाड्रन लीडर केडी मेहरा, लेकिन वो तो मर गए। उस शख्स ने जवाब दिया, नहीं, वो मैं हूं। तब जाकर पायलट को एहसास हुआ कि उसके सामने भिखारी जैसा दिखने वाला शख्स और कोई नहीं, स्क्वाड्रन लीडर केडी मेहरा हैं, जिनके विमान को 8 दिन पहले ढाका के पास मार गिराया गया था। मुक्ति वाहिनी की मदद से मेहरा करीब 100 मील का रास्ता चलते हुए उस जगह पहुंचे थे। 4 दिसंबर को मेहरा का विमान गिरने के बाद मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों ने उनकी देखभाल की थी। उन्होंने उनको खाना दिया था, उनकी चोट पर पट्टी बांधी थी और उनकी पूरी तीमारदारी की थी। मुक्ति वाहिनी के एक युवा सैनिक शोएब ने मेहरा को लुंगी और कमीज पहनाकर भारतीय ठिकाने तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। इससे पहले उन्होंने उनके फ्लाइंग सूट और भारतीय वायुसेना के पहचान पत्र को जलाकर नष्ट कर दिया था। विंग कमांडर ML बाला अपनी किताब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफ द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ 1971 में लिखते हैं, मुक्ति वाहिनी के साथ मेहरा के रहने की खबर भारतीय सेना तक पहुंचा दी गई थी, लेकिन इस डर से इसका बहुत प्रचार नहीं किया गया था कि पाकिस्तानी उनकी खोज न शुरू कर दें। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी सैनिक मेहरा को ढूंढने उस गांव तक पहुंच गए थे। मेहरा की 14 स्क्वाडन को 2 दिन बाद पता चल गया था कि बचाए गए पायलट संभवतः केडी मेहरा हैं। मेहरा को उस गांव में थोड़ी ही देर रखा गया जहां उनका विमान गिरा था। फिर उनको झोपड़ी से निकालकर एक तालाब में पानी के नीचे छिपा दिया गया। उन्हें एक पाइप दिया गया जिससे वो सांस ले सके। मेहरा ने पूरी दोपहर तालाब के नीचे पानी में खड़े खड़े बिताई। शाम को जब अंधेरा हो गया तो गांव वालों ने आकर उन्हें पानी से निकाला। मेहरा को ढूंढने निकले पाकिस्तानी सैनिकों ने उस पूरे गांव को जला दिया और वहां के लोगों को गोली से उड़ाने की धमकी दी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने मेहरा की मुखबरी नहीं की। पाकिस्तानी सैनिकों के अत्याचार को सहते हुए गांव वालों ने मेहरा को अपने पास 5 दिनों तक सुरक्षित रखा। मेहरा ने ढाका के पश्चिम में पैराशूट से छलांग लगाई थी। मुक्ति वाहिनी ने उन्हें सलाह दी कि उनके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वो पूर्व में अगरतला की तरफ जाकर भारतीय सेना से मिलने की कोशिश करें। पीवीएस जगनमोहन और समीर चोपड़ा लिखते हैं, शुएब को साथ लिए मेहरा ने एक मछुआरे की नौका में मेघना नदी पार की। तभी उनके साथ मुक्ति वाहिनी का एक और योद्धा सरवर भी आ गया। नदी पार करने के दौरान एक समय बड़ा खतरा तब आया जब पाकिस्तान का एक गनबोट काफिला
उन्हें आता दिखाई दिया। पाकिस्तानी बोट पास आती ही चली जा रही थी और मेहरा और उनके साथियों ने बुरी से बुरी परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। तभी अचानक भारतीय वायुसेना के 4 विमानों ने नीचे आकर पाकिस्तानी गनबोट पर हमला कर दिया और उनके द्वारा गिराए बमों से बोट में आग लग गई। मेहरा और उनके साथियों की जान में जान आई और उन्होंने पूर्व की तरफ बढ़ना जारी रखा। थोड़ी देर बाद उन्हें एक और पाकिस्तानी बोट दिखाई दी, लेकिन इन लोगों ने तुरंत किनारे पर पहुंचकर लंबी घास की आड़ ले ली और पाकिस्तानियों को उनका पता नहीं चल पाया। मेघना के पूर्वी किनारे पर उतरने के बाद उन्होंने अगरतला की तरफ 30 मील का रास्ता पैदल तय किया। चोट और दर्द के बावजूद मेहरा घंटों लगातार चलते रहे। आखिर में वो सड़क तक पहुंच गए जिस पर भारतीय सेना के वाहन चल रहे थे। उन्होंने हाथ देकर एक जीप को रोका। मेहरा भारतीय सैनिकों को अपनी आपबीती बताने में सफल हो गए। उन तीनों को एक सैनिक जीप में लादकर सैनिक कैंप में ले जाया गया, जहां उनसे गहन पूछताछ हुई। मेहरा के जोर देने पर वायुसेना मुख्यालय को एक संदेश भेजा गया और तब वहां से सूचना आई कि मेहरा को लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है। इस बीच भारतीय सेना के एक डॉक्टर ने मेहरा को कुछ पेन किलर दवाई दी। 12 दिसंबर को सेना के कमांडिंग ऑफिसर ने मेहरा को बताया कि एक जनरल को लेकर एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचने वाला है। मेहरा मुक्ति वाहिनी के एक सैनिक शुएब के साथ एक स्कूटर पर सवार होकर उस हेलीपैड तक पहुंचे। जब मेहरा ने हेलीकॉप्टर और पायलटों को देखा तो उन्होंने अपने जूनियर मामा निकनेम वाले पायलट को तुरंत पहचान लिया। केडी मेहरा को उस हेलीपैड से पहले अगरतला ले जाया गया और फिर वहां से शिलोंग पहुंचाया गया, जहां उन्हें सैनिक अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया गया। शुरुआती इलाज के बाद उन्हें एक डकोटा विमान में बैठाकर दिल्ली लाया गया। कई महीनों तक मेहरा का इलाज चलता रहा। एक समय उनका हाथ काटने की नौबत तक आ गई थी। बाद में उनका हाथ तो बच गया, लेकिन दूसरी स्वास्थ्य दिक्कतों की वजह से उनके उड़ने पर रोक लगा दी गई। युद्ध समाप्त होने के 5 साल बाद उन्होंने वायुसेना से समय से पहले अवकाश ग्रहण कर लिया। 4 सितंबर 2012 को स्क्वाड्रन लीडर कंवलदीप मेहरा ने 73 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।